हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन गाइडेंस बाय रेनू। मेरा नाम रेनू है और मैं इंटुइटिव टैरो रीडर हूँ। आज की रीडिंग है 29 अगस्त के लिए, 29th के लिए। सबसे पहले मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी एनिवर्सरी हु इज सेलिब्रेटिंग टुडे। एंड मेरे जितने भी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं, उनको सबको बहुत बहुत थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोग इतने सारे लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो मेरे चैनल को, और बहुत सारे अच्छे कमेंट्स की मेरे ऊपर बुछार की हुई है। सो रियली रियली ग्रेटफुल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग है। सो थैंक यू सो मच। एंड सून ही जो है मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों की लाइट के लिए, लव के लिए। तो चलते हैं हम लोग 29 अगस्त की रीडिंग के साथ। सबसे पहले है ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं हम लोग। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, अवेकनिंग योर ट्रू सेल्फ। एक और कार्ड है मेरे पास यहाँ पे, फसाद। हो सकता है कि आप लोगों का सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है बैलेंस हो रहा है, हील हो रहा है। जो भी लोग काम कर रहे थे इसके ऊपर, या अपने आप ही वो हील हो रहा है यहाँ पे। मेरे को लगता है कि आप जो भी आपकी ट्रू सेल्फ है, कि आप बहुत ज़्यादा दयालु हो, बोल्ड हो, ब्यूटीफुल हो, एम्पैथ हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो, राइटर हो सकते हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, लाइट वर्कर, हीलर, जो भी आपकी टैरो रीडर, जो भी आपकी ट्रू सेल्फ है, यहाँ पे वो आपकी है अवेकन हो रही है। आप उस ट्रू सेल्फ में आ रहे हो। जो भी रास्ते में हर्डल्स की वजह से जो हम लोग बन जाते हैं, कई बार हम लोगों को गुस्सा आ जाता है, कई बार रिजेंटमेंट में चले जाते हैं, क्योंकि कई बार हम लोगों का पीरियड जो होता है, जर्नी जो होती है, पेनफुल होती है, तो हम लोगों में रिजेंटमेंट भर जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, गिल्टी भर जाती है। तो ये सब जो चीज़ें रास्ते में हमारी, ये जो चीज़ें आ जाती हैं, नेगेटिव जो है थिंकिंग, तो इन सब चीज़ों में ना हम लोग कहीं खो जाते हैं। हमारी ट्रू सेल्फ है ना, जो कहीं ना कहीं वो खो जाती है। तो यहाँ पे आज के दिन आपको लगेगा कि आपको अपनी ट्रू सेल्फ फॉलो करने का आपका दिल करेगा। यहाँ पे आपको लगेगा कि धीरे धीरे जो है आपकी ट्रू सेल्फ जो है जाग रही है, जैसे आप शायद बचपन में हुआ करते थे। रिमेंबर, हम लोग बचपन में जो है बहुत ज़्यादा जॉयफुल होते हैं, हम लोगों को कोई फिक्र नहीं होती है आसपास क्या हो रहा है, हम लोग अपने ही उसमें जो है चाइल्डहुड को इन्जॉय करने में लगे रहते हैं, ठीक है। और अगर जो भी हम लोगों क्रिएटिव होते हैं, वो क्रिएटिविटी फॉलो करते हैं, जो भी हम लोगों को अच्छा लगता, हॉबी फॉलो करते हैं अपनी छोटे होते हुए, हम अपनी ट्रू सेल्फ में रहते हैं जब हम लोग बचपन में छोटे होते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो है इस दिन जो है ट्रू सेल्फ जागेगी। तो थोड़ा सा टाइम लो, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो और उसके ऊपर वर्क करो, ताकि जो है आपको अच्छा लगे, आपकी सोल को अच्छा लगे। यहाँ भी ये जो कार्ड है ना, कि यहाँ पे जो आपकी जो हायर सेल्फ है, आपकी सोल है, ठीक है, वो आपको उस पाथ पे चलने के लिए कह रही है, ताकि आप फुली लिव कर सको, इंजॉय कर सको लाइफ को। इतनी स्ट्रेसफुल होने की ज़रूरत नहीं है। उस ट्रू सेल्फ को जगाओ, ताकि आपको फुलफिल आपकी लगे, अपने आप को जीना, जो कहते हैं ना जॉयफुल, मीनिंगफुल जो लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, ठीक है, वो आपको लगे कि हाँ, कि आप जो है ना अपना फुली जो है ना पूरे जोर से जो है अपनी अपनी लाइफ जी रहे हो, अपना पर्पस जी रहे हो, अपना सोल जो है, आपका सोल पर्पस हो सकता है। कंटेंट फील करना, जब आप ट्रू सेल्फ में होते हो ना, ठीक है, तो आप जो है ना एक अंदर जो एक सोल की खुशी होती है, वो आत्मिक खुशी जो होती है ना, वो आपको मिलती है, ठीक है। नहीं तो हम लोग जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जी जाते हैं, कि उनको क्या एक्सपेक्ट है हमारे से, हम लोग बस वही करी जाते हैं। वो लोग चाहते हैं कि आप जब घर का काम करी जाओ सारा दिन, तो आप वही करी जाते हो, सिर्फ लोगों को प्लीज करने के लिए रह जाते हो। लेकिन आप जो है आपके अंदर जो ट्रू सेल्फ है, उसको फॉलो करना भूल जाते हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी जो है आज ट्रू सेल्फ अवेकन होने वाली है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हेल्थ की तरफ। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, एक्सपेंशन। यहाँ पे जो है ना आप
पॉजिटिव जो है थिंकिंग हुई हुई है यहाँ पर, पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से जो है ना आपकी हेल्थ जो है वे बेटर हो रही है, आप वाइज बन गए हो, रिस्पॉन्सिबल हो गए हो, खुद की अपनी अपनी हेल्थ की टेक केयर करना शुरू कर दी है, अपने दूसरों पे डिपेंड नहीं करते हो आप, आपको पता है कि आपकी बॉडी को आराम चाहिए या सप्लीमेंट्स चाहिए, जो भी आपकी बॉडी को चाहिए आप वो जानते हो इंट्यूटिवली, ठीक है, क्योंकि आप वाइज बन गए हो, ठीक है, तो वो जो है ना खुद ही आप जो है हो सकता है कई लोग जो हैं हेल्थ की जो है ऑनलाइन चेक करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन चेक करके कोई भी एक्सरसाइज करनी है या जो भी करना है वो ऑनलाइन चेक करके उस चीज़ को पता करते हैं, ये नहीं कहते कि डॉक्टर के ऊपर छोड़ दिया या चलो चले जाएंगे कभी डॉक्टर के पास, इस तरह से नहीं, आप फुली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो अपने हेल्थ को ध्यान रखने का, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिस वजह से जो है आपकी हेल्थ भी है जो है वे बेटर हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग करियर की तरफ। करियर में जो है ना कुछ ऐसा आज 29 अगस्त को कुछ ऐसा अचीव कर पाओगे गोल्स, जो कोई प्रोजेक्ट, कोई टारगेट जो आपने कोई अपने लिए रखा हुआ था वो अचीव कर पाओगे आज, या उसकी शुरुआत हो सकती है, आप स्टार्ट कर सकते हो किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे आप पैसा बना सकते हो, हो सकता है आज के दिन जो है आपकी स्टार्टिंग हो जाए, जो अबंडेंस की स्टार्टिंग हो जाए, आपको नज़र आना शुरू हो जाए, डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव मूविंग फॉरवर्ड जो है वो लेडी जो है ना हाथ में बहुत ज़्यादा शाइनी कुछ ऐसा लेके आगे को मूव कर रही है, यानी कि फॉरवर्ड मूव कर रही है, या कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया बिजनेस हो सकता है जो आप खोलने की सोच रहे हो, यहाँ पे उसकी जो है आप शुरुआत कर दो, यहाँ इनिशिएटिव लो उसको खोलने का, आगे बढ़ने का, तो जो बहुत 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 ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लव की तरफ। लव में है बैलेंस, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे मेरे को लगता है कि आप या तो ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी या जो है ज़्यादा आपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दिया हुआ था, यहाँ पे आपको लव फैमिली की तरफ जो है, अपना बच्चों की तरफ जो है आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ताकि आप उनको भी जो है क्वालिटी टाइम दे सको, उनके साथ टाइम बिता सको, जॉयफुल एनर्जी क्रिएट कर सको अपने आस पास, जो आप जो है मेरे को लगता कुछ दिनों से जो है इम्बैलेंस हुए हो, बहुत ज़्यादा टाइम जो है या अपनी एनर्जी है जो ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो अपने वर्क एरिया पे, फैमिली एरिया पे आप इतना ज़्यादा जो है ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो आज जो है आपको वो बैलेंस बनाने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ। स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्क कर रहे हो खुद के ऊपर और शायद लोगों को हील करने के लिए, तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा अचीव कर पा रहे हो, देखो कितने सुंदर आप मतलब कितने ज़्यादा आपकी जो है सोल कितनी ज़्यादा ग्रो कर गई है, शाइन कर रहे हो आप एक स्टार की तरह, हो सकता है आपको वर्क से जो भी आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी अप्रिसिएशन मिल रही है अपने गुड वर्क, अपने हार्ड वर्क की वजह से, बहुत सारी शायद आपको प्रपोजल्स आ रही हैं जो आप लोगों को यू नो हीलिंग चाहते हैं लोग आपसे, आपसे बहुत खुश हैं आपकी आपकी यूनिकनेस से, आपकी स्पिरिचुअल पावर से, जो आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हुए हैं, जिस तरह से मेरे को जो है इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं तो मेरे जो है मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तो इस तरह की कुछ रिकॉग्निशन आपको जो है आगे बढ़ने की सक्सेस की जो है वो यहाँ पे आपको आज नज़र आ सकती है, जो बहुत बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, आप स्टार की तरह जो है ना चमक रहे हो यहाँ पे रेड बो के साथ। तो नेक्स्ट चलते हैं अवॉइड क्या करना है आपको, डिस्कवरी अवॉइड करना है यहाँ पे आपको, टू मच सोचना हार्ट से रिलेटेड इश्यूज अगर आपके पास्ट में हुए हैं, ऐसे कुछ पेनफुल हुआ है उसको छोड़ के जो है आपको ना बाकी चीज़ों के बारे में सोचना है, यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए सोचना है, राइट, तो यहाँ पे अपने आप को ट्रू सेल्फ को अवेकन करना है, तो जो बहुत सारी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपकी जो लाइफ में हो रही हैं उनकी तरफ ध्यान देना है आपने, ये नहीं सोचना कि उसमें डूबे नहीं रहना कि ताकि आप डार्कनेस ना क्रिएट करो अपने आसपास, सिर्फ पेनफुल एनर्जी के बारे में, आप पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, इन्जॉय द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है, ताकि आप जो है बी इन लविंग एनर्जी जो है, अगर आपका लगता है कि आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं है, आप खुल के जो है ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो या दिल की बात नहीं कर पा रहे हो या प्यार स्प्रेड नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ हार्ट चक्रा अपना हील करो, ठीक है, उसको ओपन करो, ताकि जो है ना आप जो है एक लविंग एनर्जी सबके लिए स्प्रेड कर सको, अपने लिए भी
और लोगों के लिए भी अपने आसपास के, ठीक है? लविंग एनर्जी, नॉट हेटिंग एनर्जी, राइट? तो चलते हैं यहाँ पे। अगर आपका एंजल से कोई क्वेश्चन है अभी आप पूछ सकते हो, ठीक है? ये है आपके लिए कार्ड, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। जो लोग मेडिटेट नहीं भी करते हैं ना, मैं उनको सजेस्ट करूंगी सिर्फ 5 मिनट्स के लिए अपने आप को आइसोलेट करके एक चेयर पे, कंफर्टेबल चेयर पे बैठो, अपने माइंड को क्लियर करो, क्वेश्चन पूछो और आप बिल्कुल माइंड को क्लियर कर दो, तो डेफिनेटली आपको, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका डीप मेडिटेशन में जाना ज़रूरी है, स्पिरिचुअलिटी में जाना ज़रूरी है कोई भी आंसर पाने के लिए, जो आपको, जो भी आपका क्वेश्चन है। आप कर सक क्या कर सकते हो कि 5 मिनट के लिए अपने आप को अकेले और शांत माहौल में बिठा के अपने आप को जो है बिल्कुल अपने दिमाग को क्लियर करके जो है, अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो डेफिनेटली 1 या 2 दिन में, कुछ दिन में आपको ज़रूर आंसर मिल जाएगा। हो सकता है पहले दिन ही मिल जाए, जब आप बिल्कुल एक क्लियर करके एक लंबी, 2-3 लंबी यू नो डीप ब्रीथ करो, ताकि आपका पूरा जो बॉडी एक शांत हो जाए, यू नो काम हो जाए, उसके बाद आप जो है ना 5 मिनट बैठ सकते हो बस आंखें बंद करके। गणेशा गाइडेंस देख लेते हैं यहाँ पे, लास्ट कार्ड यहाँ पे प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन तो जो लोग कुछ वरीड है मेरे को लगता है अपनी फैमिली को, अपने आप को लेके, यहाँ पे गणेशा यहाँ पे श्योर कर रहे हैं आपको कि आपकी फैमिली और आप जो है प्रोटेक्टेड हो, ये आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप अच्छा काम कर रहे हो उस पे लगे रहो और ग्राउंड योरसेल्फ, ठीक है? नेचर में जाओ, प्लीज़ ग्राउंडिंग जरूर करते रहो, बी हम्बल, बी काइंड और स्प्रेड लव नॉट हेट, ठीक है ना? तो आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी उनके आसपास बनी हुई है। सिर्फ स्प्रेड प्यार और जो है जॉय को स्प्रेड करो, ठीक है? तो आपके, आप खुद की आपकी दुनिया में जरूर मिलेगा आपको। तो ये थी रीडिंग जो है 29 अगस्त की, जो डेली रीड करती हूँ मैं। तो अब हम लोग करेंगे लव रीडिंग, जो सारे जोडिक साइन के लिए मैं करती हूँ एवरी डे। तो अगर आपको रेजोनेट की हो डेली रीडिंग तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पे रोज़ डेली जो है रीडिंग्स यहाँ पे अपलोड करती हूँ। तो चलते हैं हम लोग लव रीडिंग की तरफ। हाय हाय एरीज, तो ये है 29 अगस्त के लिए लव रीडिंग। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी लव रीडिंग होती है वो ज़रूरी नहीं होता कि वो जो लव का जो है कार्ड यहाँ पे निकल के आता है कि सिर्फ आपके और अपने पार्टनर के बीच में हो। ये जो है लव आपकी, आपके फ्रेंड्स के बीच में, आपके अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, किसी के भी साथ जो लव एनर्जी उस दिन की बनी हुई है, ये उस तरह के कार्ड निकलते हैं। तो आप ये मत सोचें, सिर्फ अपने पार्टनर को माइंड में ला के मत सोचें कि उन्हीं के साथ ये जो है आपकी एनर्जी वर्क करती है, ऐसे नहीं होता। तो अगर जैसे 3 of Cup का कार्ड निकलता है, यानी कि सेलिब्रेशन का कार्ड निकलता है, तो आप जो है फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर सकते हो, राइट? उस दिन जॉयफुल अपने पुराने फ्रेंड्स को मिल सकते हो, तो एक बहुत ब्यूटीफुल लविंग और यू नो सेलिब्रेटिंग जॉयफुल एनर्जी क्रिएट होती है उस दिन। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप एवरी डे अपने आपको टाइम मिल रहा है अपने पार्टनर के साथ बैठने का या डिनर पे जाने का, कुछ ऐसा करने का, लेकिन जो है लव जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट वे में आपके टैरो कार्ड्स में निकलता है, तो इस बात का प्लीज़ ध्यान रखें। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट कार्ड की तरफ जो है एरीज के लिए, 2 of Cup का। 2 of Cup यहाँ पे एरीज, आप जो है डेट पे जा सकते हो, इंट्रैक्शन हो सकती है आपके आपके पार्टनर के साथ, कोई प्रपोजल आ सकती है, पार्टनरशिप में जा सकते हो। यहाँ पे मेरे को लगता है कि वो जो है बॉय जो है गर्ल से कप लेने की कोशिश कर रहा है। मेरे को लगता है यहाँ पे जो है कोई आपको आपके कप के लिए पूछ सकता है, यानी कि प्रपोजल आ सकती है आपको। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है एरीज के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टॉरस के लिए। हाय टॉरस, तो ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पे डेफिनेटली मेरे को प्रोग्रेस नज़र आ रही है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत मैच्योर हो चुके हो आप, बड़े जो है ना लव लाइफ को ना बहुत एज ए मैच्योर पर्सन आप अप्रोच कर रहे हो, जैसे जिसने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस गेन कर लिए हैं। बहुत मैच्योर क्वीन जो होती है बहुत मैच्योर एनर्जी होती है, तो आप बड़ी ना केयरफुली लव लाइफ में अप्रोच कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो स्टेबल और स्ट्रांग
जो है स्टेबिलिटी चाहते हो अब अपनी लव लाइफ में, आप जो है यू नो काफ़ी मैच्योर और केयरफुल एनर्जी है यहाँ पे, आप उसी को अप्रोच करना चाहोगे जिससे जो है आपको कमिट करेगा, जो आपको स्टेबिलिटी दिलाएगा इस रिलेशनशिप में। नेक्स्ट चलते हैं जेमिनाई। हाय जेमिनाई, थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सॉरी जेमिनाई, पेनफुल, मैं ब्रेकअप का कार्ड नहीं कहूँगी, ये कम्युनिकेशन हो सकता है, हार्श कम्युनिकेशन हो सकता है, पेनफुल कम्युनिकेशन हो सकता है ये, जिसमें आपको शायद थर्ड पार्टी के बारे में पता लग सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, हार्श, थोड़ी सी हार्श एनर्जी है ये, आई एम सॉरी, लेकिन जो है मैं सच को जो है छुपा नहीं सकती, तो डेफिनेटली थ्री ऑफ स्वॉर्ड का जो है ना हार्ट से रिलेटेड जो है पेनफुल जो है कम्युनिकेशन यहाँ पे हो सकती है आपकी और आपके पार्टनर के बीच में। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कंसेरियन। हाय कंसेरियन, यहाँ पे है कंसेरियन के लिए मेरे के पास दो कार्ड जो है, फाइव ऑफ कप्स का और सेवन ऑफ वॉन्ड्स का। फाइव ऑफ कप्स, मेरे को ये लगता है कि आपके साथ कुछ पास्ट में ऐसा हुआ जो जो है बहुत ज़्यादा आपको जो है इमोशनली ड्रेन कर दिया, जिसने आपको कोई फुलफिल नहीं किया इमोशनली, और आप बहुत ज़्यादा डार्क और नेगेटिव एनर्जी में हो अपने रिलेशनशिप को लेके, इसी वजह से जो है आपने अपने अराउंड जो है स्ट्रांग बाउंड्री बना ली है, आप अभी खुल के नहीं आ रहे हो या कुछ रिलेशनशिप में नहीं आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो हार्ट से रिलेटेड, इसलिए जो है ना जैसे होता है ना कि आप पेन में चले जाते हो, आपका ट्रस्ट खत्म हो जाता है दुनिया की तरफ, पार्टनर की तरफ, लोगों के लिए, क्योंकि आप में जो भी पेनफुल आप किसी सिचुएशन में से निकले हो, तो आपको जो है फिलहाल के लिए आप शायद जो है अपने आप को एक प्रोटेक्ट यू नो प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को रिलेशनशिप से, कि मेरे को अभी नहीं रेडी नहीं हूँ आप इसी रिलेशनशिप में, न्यू रिलेशनशिप में जाने के लिए, अगले रिलेशनशिप में जाने के लिए, तो आप जो है अपने आप को एक प्रोटेक्शन वॉल में रख रहे हो। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लियो की तरफ। लियो जो है हायरोफेंट का कार्ड है, यहाँ पे हो सकता है आप किसी से फॉरगिवनेस मांग रहे हो, किसी से माफ़ी मांग रहे हो, मैरिज में आपका पार्टनर हो सकता है, जो भी आपने लेसन जो है लर्न कर लिए हैं, जो भी आपके लेसन उसमें थे, मैरिज का कार्ड है ये, हायरोफेंट का कार्ड है, हो सकता है कि आपने काफ़ी सारे जो हैं आपके इस तरह से लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंसेस से काफ़ी आप लेसन सीख चुके हो, इसलिए शायद आप माफ़ी मांग रहे हो अपने पार्टनर से, तो इस तरह की एनर्जी जो है आज हो सकती है 29th के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं हाय वर्गो, ये है वर्गो के लिए कार्ड। वर्गो, आप शायद नए रिलेशनशिप की तरफ, नई जर्नी में, नए बिगनिंग में कुछ न्यू बिगिन कर रहे हो सकता है रिन्यू कर रहे हो, या अपने लव लाइफ को जो है एक नए यू नो नए लेवल पे लेके जा रहे हो, रिन्यू कर रहे हो एक नए यू नो रिन्यूड एक स्पिरिचुअल लेवल, हो सकता है एक स्पिरिचुअल लेवल पे आप जो है लेके जा रहे हो अपने रिलेशनशिप को। तो नेक्स्ट चलते हैं लिब्रा की तरफ। हाय लिब्रा, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है लिब्रा के लिए, सिक्स ऑफ वांड्स का कार्ड है, मैरिज हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, रिकॉग्निशन, विक्ट्री, सक्सेस, अगर रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप में आप एक नए लेवल पे जा सकते हो, बहुत सक्सेस का कार्ड है, आगे बढ़ रहे हो, जो भी आपकी जो ग्रोथ हो रही है इस रिलेशनशिप में, काफ़ी ग्रीन है इस उसमें, एंगेजमेंट का कार्ड हो सकता है, मैरिज का कार्ड हो सकता है, तो रिकग्निशन का कार्ड हो सकता है, सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, जो भी आप जिस बारे में सोच रहे हो, अगर पार्टनरशिप में सोच रहे हो मैरिज के बारे में, तो वो भी आपके उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, या वर्क में कुछ ऐसा कर रहे हो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है। नेक्स्ट चलते हैं स्कॉर्पियो की तरफ, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी स्कॉर्पियोज, ये हमेशा कार्ड जो है बहुत नेगेटिव कार्ड है ये, आपका पार्टनर शायद जो है आपको धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, आपको डिसीव कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि अभी जो है आप ना पास्ट में ही स्टक हो, चाहे आपके पार्टनर जो भी किया है आपके साथ, पर फिर भी आप जो है अभी पास्ट में ही फंसे हुए हो, उसी पास्ट एनर्जी में फंसे हुए हो। तो नेक्स्ट चलते हैं हाय सजीज, सजीज की तरफ। हैंग्ड मैन जो है अपसाइड डाउन कार्ड है हैंग्ड मैन का, अगर वो
अपराइट होता है तो इसका मतलब है कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो। यहाँ पे है कि आपका क्राउन चक्रा ओपन हो गया है, ठीक है, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर गए हो, काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है आप में सजिटेरियस, और आप जो है ना आगे बढ़ने के लिए एक्शन लेने के लिए, ठीक है ना, वो रेडी हो। तो अगर आप यहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले रहे थे पहले अपनी लव लाइफ के लिए, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ जो एक्शन या डिसीजन लेने के लिए रेडी हो, यहाँ पे आगे मूव करने के लिए, बढ़ने के लिए। तो जब अपराइट होता है हैंगमैन, यानी कि आप कुछ चीज़ों को सोच रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब ये ऐसे आ गया कि जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने लर्न किया है, ठीक है, या जो भी आपको मैसेजेस आए हैं या गाइडेंस मिली है आपको, तो अब वो जो है उसके तरफ आप जो है एक्शन लेना, एक्शन लेने के लिए रेडी हो अब आप। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है सजीज। नेक्स्ट चलते हैं हाई कैप्रीज, कैप्रिकॉन्स के लिए मेरे पास है दो कार्ड यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड थ्री ऑफ कप्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स अर्थ एनर्जी हो सकती है कि आपकी तरफ कोई जो है ऑफर लेके आ रहा है, लेकिन काफ़ी स्लो एनर्जी है यहाँ पे। कोई प्रपोजल हो सकती है, मैरिज प्रपोजल हो सकती है आपके लिए, पार्टनरशिप की प्रपोजल हो सकती है, और यहाँ पे जो है, या न्यूज़ हो सकती है, कोई न्यूज़ आपकी तरफ लेके आ रहा है। यहाँ पे आप जो है काफ़ी जो है अपने फ्रेंड के साथ हो सकता है, इस न्यूज़ की वजह से, इस हैप्पी न्यूज़ की वजह से जो है आप काफ़ी जो है सेलिब्रेट कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ये सेलिब्रेशन का कार्ड हो सकता है, डिनर पे जा सकते हो, तो ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड हैं दोनों जो हैं इस दिन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं एक्वेरियस, हाई एक्वेरियस, पेज ऑफ कप का कार्ड है एक्वेरियस के लिए। बहुत इमोशनल मेरे को लग रहे हो आप, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो एक्वेरियस, या हो सकता है कि आज के लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव फील कर रहे हो। इंट्यूटिव आपको मैसेजेस आ रहे हैं, आपको डेफिनेटली ये पता लग रहा है कि आपने जो भी सिचुएशन में हो राइट ना, उसको कैसे हैंडल करना है और कैसे आगे फॉरवर्ड जो है मूव करना है आपको। या हो सकता है कि आप यो है किसी को जो है प्रपोजल देने जा रहे हो, या कोई आपकी तरफ जो है, क्योंकि ये कप है, आपकी तरफ जो है कोई प्रपोजल लेके आ रहा है यहाँ पे। हाई पाइसिस, यहाँ पे है पाइसिस के लिए हर्मिट का कार्ड। हर्मिट का कार्ड है कि आपने बहुत कुछ अपने बारे में आप सीख रहे हो, अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, सिंगल हो सकते हो आप, सेपरेशन में हो सकते हो, स्पिरिचुअल जर्नी पे हो सकते हो, अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो, सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम कर रहे हो, यहाँ पे अपने आप को असेस कर रहे हो। आप चाहते हो कि इससे पहले कि आप आगे बढ़ो, तो उससे पहले आप अपने आप को असेस करना चाहते हो, जो भी सिचुएशन से आप निकले हो उसमें चाहते हो कि मैं दोबारा से, या रिलेशनशिप में ही अगर मेरे को दोबारा से जाना है तो मेरे को वो, आप सारी चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हो अपने बारे में, ताकि जो है आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जब जाएं तो वो फुली जो है ना, आप माइंडफुल होके जो है उस रिलेशनशिप में जो है काम कर सकें। तो यहाँ पे शायद अपने बारे में आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट पे जो है, सोल जर्नी पे आप जो है निकले हुए हो यहाँ पे। तो आज के दिन जो है ना कुछ, काफ़ी कुछ जो है आपके अपने बारे में जानने की कोशिश करोगे यहाँ पे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ अगर रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मैं रोज़ अपलोड करती हूँ यहाँ पे वीडियोज़ लव रीडिंग और डेली रीडिंग्स के लिए। सो बाय फॉर नाउ।